तो जुनैद आज हम लोग का फर्स्ट एपिसोड है पॉडकास्ट का, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? जो आप बोलोगे डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, फ्लो एक्सपीरियंस नाम का टॉपिक है जो मैं आगे उस पर रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं चाह रहा था कि आपको उसके बारे में ब्रीफली बता के हम लोग उस पर डिस्कस करें। ये साइकोलॉजी से डायरेक्टली रिलेटेड है? हाँ, साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ये चीज़। आप इसके बारे में सुने थे शायद ना पहले? हाँ, फ्लो के बारे में सुना था। मैं फोकस के बारे में ज़्यादा स्टडी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है फोकस और फ्लो बहुत ज़्यादा सेम चीज़ है। अब वो डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। अच्छा, फ्लो स्टेट एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, उसके अंदर कई कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फ्लो को हम ऐसा डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी में कि वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम लोग इतना ज़्यादा इंटेंस फोकस करते हैं कि हम आसपास की कई चीज़ें भूल जाते हैं, हम अपने खुद के बारे में भूल जाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा प्लेजर आता। और ये जब होता है, जब हम लोगों का स्किल लेवल और सामने से जो चैलेंज आ रहा वो मैच होना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल बोले, मैं किसी एक पज़ल में अच्छा हूँ और वो पज़ल चैलेंजिंग भी है, जब जाके जो मज़ा आता है उसको फ्लो बोलते हैं हम लोग। इसका नाम फ्लो बाय द वे इसके आया क्योंकि हम लोग जब वो जो रिसर्चर है ना, जब इंटरव्यू ले रहा था बंदों से, तो लोग बोल रहे थे कि आई फेल्ट लाइक आई वाज इन अ फ्लो, तो लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो बह रहे थे वो एक्सपीरियंस में, इसलिए उसका नाम फ्लो दिया गया। मतलब बह जाना वो चीज़ में इतना कि बाकी सब चीज़ें भूल जाना, जैसे हम लोग कैजुअली इन द जोन बोलते ना वो। ये खासकर स्पोर्ट्स में होता है? हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। जो भी कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं और बंदा उसमें अच्छा है तो उसमें फ्लो एक्सपीरियंस करने के चांस है। तो आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप फ्लो कब एक्सपीरियंस कब आप करे थे पहले लास्ट टाइम एक्सपीरियंस? फ्लो फोकस मतलब सुबह में मैं ज़्यादा जब कुछ काम करने के लिए बैठता हूँ तो फ्लो मेरा बहुत अच्छा जाता है, जब डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, तो एक मोमेंट आता है कि सब भूल जाते हैं और फिर वो जब कुछ याद आता है तब रियलाइज होते हैं, या तो कुछ डिस्ट्रैक्शन या तो फोन रिंग हो गया तब वो फ्लो स्टेट से बाहर आते हैं ऐसा लगता है। अच्छा, जब वो रियलाइज होता है कि वो फ्लो टूट गया, अब जब आप बोल रहे हो अब मालूम पड़ रहा है कि वो चीज़ फ्लो थी। अच्छा, तो कई लोग तो नहीं, शायद कुछ लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को, लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो नाम है उसका। और अगर कॉमन एग्जांपल दिया तो लोग जब वीडियो गेम्स खेलते हैं या कुछ मूवी देखते हैं उसके अंदर इतना घुस जाते हैं कि बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, और मेरा अगर एक्सपीरियंस बोला तो जब मैं ऑनलाइन अपना पाइथन का कोर्स कर रहा था NPTEL के थ्रू, तो उसमें रात में 12 o'clock से पहले उसका सबमिशन रहता था असाइनमेंट का। तो जब मैं उसका कोडिंग करते बैठता था लैपटॉप पे, जब इतना ज़्यादा मज़ा आता था, कुछ उसमें चैलेंजिंग टास्क कुछ पजल रहता था पाइथन में, तो जब बहुत ज़्यादा फ्लो एक्सपीरियंस होता था। मैं आपको ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी, फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, कैसे आइडेंटिफाई करना फ्लो को। फर्स्ट चीज़ जो है, पूरे एग्जॉस्टिव तो नहीं लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूँ मैं भी। फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बोला, आपका जो स्किल लेवल है और सामने से जो चैलेंज आ रहा है वो मैच हो रहा। इसमें एक पॉइंट ऐड करते हुए ये बोल रहा हूँ, एक ग्राफ है जो मैं वीडियो में भी ऐड कर देता हूँ, वो ये बताता है कि एक्स एक्सिस पे आपका स्किल लेवल है कि आप उसमें बुरे हैं या अच्छे हैं, और वाई एक्सिस पे आपका चैलेंज लेवल है कि आपको जो टास्क मिल रहा है वो इजी है या डिफिकल्ट है। तो इसके मैं आपको कॉम्बिनेशन बता दूँ, अगर आप एक चीज़ में बुरे हैं और सामने से टास्क जो मिल रहा है वो भी चैलेंजिंग नहीं है, तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एपैथी फील होता आपको, राइट। और आपका अगर स्किल लेवल कम है लेकिन टास्क बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है तो आपको एंग्जाइटी होता। जैसे कि मैं अगर आपको बोला कि एक आपको रॉकेट का पार्ट डिज़ाइन करना है, तो हम दोनों को रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, हम लोगों को बहुत ओवरवेलमिंग लगता है वो चीज़, राइट। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका स्किल लेवल बहुत ज़्यादा है लेकिन टास्क एकदम ईजी है, मैं आपको बोला ABCD आपको 100 बार लिखना है, तो एकदम बोर्डम फील होगा। फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि अच्छा खासा चैलेंजिंग भी होना और आपका स्किल लेवल भी रहना। जैसे कि अच्छे चेस प्लेयर को बोलो कि उसके सेम लेवल के बंदे से चेस खेलना है, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस करता है वो फ्लो है। और एक चीज़ क्या है, फ्लो में बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता और आप अपने आप को भूल गए ऐसा होता और आपके नीड्स कम हो जाते हैं। और एक चीज़ ये है कि आपको फील होता यू आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया गया वो, तो आपको अंदर से ऐसा फील होता, आप मोटिवेटेड फील करते हो और आपको लगता है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। ये जब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल गए ना, आप फ्लो में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ना फ्लो में होना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़्यादातर रिसर्च जो मैं पढ़ा वो ये बताता कि फ्लो आपके वेलबींग को बढ़ाता, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता, ज़्यादातर टाइम ये बेनिफिशियल है। जस्ट इसमें ये भी चीज़ ऐड करता हूँ कि जो सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स वगैरह है वो फ्लो को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एडिक्शन की तरफ। जैसा एक रिसर्च ये है जो चाइना के लोगों पर किया गया था, जो टिकटॉक यूसेज पर, तो
तो लोग जो यूजर्स थे वो फ्लो स्टेट में जा रहे थे, लेकिन वो एडिक्शन के वे में था, और एक पॉइंट के बाद उनको प्लेजर भी फील नहीं कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा अवेयर रहना उस बारे में। और आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप एज ए नॉन साइकोलॉजिस्ट, आपको क्या फील हो रहा फ्लो स्टेट के बारे में? इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसा भी है क्या कुछ कि कोई फ्लो को मना करते हैं या एज अ नेगेटिव देखते हैं? क्योंकि आप बोले ना कोई चीज़ में घुस जा रहा है, तो मूवी देखते देखते समझो कोई घुस गया उसके अंदर ही, उसको आंसू बाजू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ा, वैसी चीज़ें होगी। लेकिन एक अवेयर रहना भी बोलते ना कि आजू बाजू क्या हो रहा है, तो ये क्या उसका नेगेटिव? अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। मैं फ्लो में अभी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं बिगिनर हूँ, उसको भी समझना शुरू कर रहा हूँ मैं, और आगे इसमें रिसर्च करने वाला हूँ होपफुली। तो लेकिन जो भी मेरे को समझ में आ रहा है उसमें ये है कि पैसिवली कंज्यूम करने को फ्लो बोलना वो उतना मैच नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट। फ्लो जनरली हम लोग जब पढ़ते केस स्टडीज में, जब आप चीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व होना, कुछ परफॉर्म करना, जैसे कि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या कुछ कोडिंग कर रहे हैं, हाँ, तो आप एक्टिवली जब उसमें इन्वॉल्व रहते ना, जब उसको फ्लो स्टेट ज़्यादा बोला जाएगा। पैसिव स्टेट का, पैसिव कंजम्पशन के बारे में उतना शोर नहीं आता। तो एक चीज़ तो है कि फ्लो अगर हम अपने लाइफ में ला लिए ना, हमारा उससे बहुत ज़्यादा भला होता। और जितने भी आप हाई परफॉर्मर्स को देखेंगे जो लाइफ में कॉन्शियस है या जो बहुत अच्छे से अचीव करते हो, प्रोडक्टिव रहते हैं, उन्हें फ्लो स्टेट में जाते रहते हैं यूजुअली, चाहे उसका नाम जाने या नहीं जाने। और वर्क के लिए भी मेरे को लग रहा है मेरे बहुत ज़रूरी है कि एक फ्लो में वर्क करना, वरना पूरा दिन डिस्टर्ब चले जाता और पता नहीं चलता कि क्या हुआ है दिन भर में। मतलब हम अगर टू डू लिस्ट के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं लेकिन इन डेप्थ नहीं जा पा रहे, तो बस वो हम रिएक्टिव वे में जा रहे हैं। लेकिन प्रोएक्टिव वे में जाते हुए अगर हमें चीज़ को डिफाइन करके उसके अंदर घुस गए ना, तो जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट निकलता है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता। तो फ्लो को हम एक स्किल भी बोल सकते हैं जो मास्टर कर सकते हैं? हाँ, फ्लो एक स्किल है। तो मैं जो पहले शुरू में बोल रहा था कि मैं इस पर रिसर्च करने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं ये है कि फ्लो इन पेरेंटिंग, पेरेंट्स कैसा बच्चों के अंदर फ्लो को एनहेंस कर सकते हैं। तो ये कॉन्शियस चॉइस और एक कॉन्शियस डिसीजन रहेगा कि बच्चों को फ्लो की तरफ कैसा भेजना। तो आप जैसा बोले, ये एक स्किल भी है कि अपने आप को फ्लो में कैसा डालना और अपने बच्चों को कैसा फ्लो में डालना। तो हम आज का वीडियो हम लोग शॉर्ट रखते हुए जस्ट फ्लो का बेसिक इंट्रोडक्शन बताए, राइट? तो इसको हम कैसे वे में कंक्लूड करेंगे? बेसिकली मैं इसको ऐसे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि फ्लो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जब हम एक चीज़ में घुस जाते हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करते हैं और चैलेंजिंग रहता है, और हम ऐसा फील करते हैं कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और बाकी सब चीज़ें घुस जाते हैं ऑलमोस्ट, तो इसको हम फ्लो बोलते हैं। और इसको हम कैसा अपने स्पेसिफिक वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हो सके तो हम आगे फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था पॉडकास्ट का, तो उम्मीद है आप लोगों को बेनिफिशियल लगाऊंगा।